सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट सैमसंग के स्मार्टफोन के बारे में, जो कि आपको 30,000 रुपये के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस, इन सभी स्मार्टफोन में आपको काफ़ी अच्छी फीचर मिल जाते हैं। एक फ्लेक्सिबल लेवल का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जिससे आप हाई ग्राफिक्स में गेम को ईजिली रन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक लंबी बैटरी मिल जाती है, जिससे आप फ़ोन को लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक बेस्ट कैमरा सेटअप मिल जाता है, जो कि प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कराएगा। तो भाई, इसके अलावा यहाँ पे आपको जो सैमसंग की नॉर्थ सिक्योरिटी देखने को मिल जाती है, यानी जो कि एप्पल की सिक्योरिटी के बाद जो सैमसंग का सेकंड नंबर पे आता है सिक्योरिटी के मामले में, जो कि एक स्मूथ और सिक्योर सिक्योरिटी मानी जाती है सैमसंग की, तो ओवरऑल सेकेंड नंबर पर आती है। तो नॉर्थ सिक्योरिटी आपको सभी स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको सारे न्यू स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे, जो कि 2021 के बेस्ट स्मार्टफोन हैं। तो गाइस, आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से स्मार्टफोन हैं, तो बिना स्किप के वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। तो यहाँ मैंने कोई रैंकिंग वाइज स्मार्टफोन नहीं बताए, सारे ही बेस्ट स्मार्टफोन है प्राइस के अकॉर्डिंग। वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आपका जो पाँचवीं नंबर का स्मार्टफोन है वो है सैमसंग गैलेक्सी M32 5G स्मार्टफोन है, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है, कुछ ही दिनों में लॉन्च होने वाला है। तो अभी लॉन्च हुआ नहीं है, बट यहाँ पे सेल स्टार्ट होने वाली है कुछ ही दिन में। बट तब तक ये वीडियो आपके लिए पहुँचेगी, तब तक ये स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका होगा। तो इसके मेन फीचर्स के बारे में बात कर दें, तो यहाँ पे आपको डिज़ाइन वगैरह काफ़ी बेटर देखने को मिल जाती है। मैट फिनिश यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, जो कि क्लीन डिज़ाइन है। तो यहाँ पे जो स्मार्टफोन है एंड्रॉयड V11 पर रन करता है, और यहाँ पे आपको सैमसंग की नॉर्थ सिक्योरिटी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इसी स्मार्टफोन में आपको साइड फिंगरप्रिंट मिलता है, फेस अनलॉक का सपोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा 3.5 mm हेडफोन जैक यहाँ पे आपको मिल ही जाता है। तो भाई, इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें आपको 6.5 इंचेस की HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि TFT LCD डिस्प्ले है। तो भाई, ओवरऑल काफ़ी अच्छी डिस्प्ले है, अगर सुपर एमोलेड डिस्प्ले होती तो काफ़ी ज़्यादा बेटर होती। और इसके साथ ही आपको नॉर्मल 60Hz का रेफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी ओवरऑल काफ़ी अच्छी है, जो कि एक वाटर ड्रॉप नॉच के साथ देखने को मिल जाती है। तो इसके कैमरे के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको बैक में क्वाड कैमरे का सेटअप मिलता है, जिसमें मेन कैमरा 48 MP का है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड, 5 MP का माइक्रो और 2 MP का डेप्थ सेंसर मिलता है। यानी यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी देखने को मिल जाती है कैमरे के अंदर। इसके फ्रंट में ही आपको 13 MP का फ्रंट सेल्फी शूटर कैमरा मिल जाता है। तो ओवरऑल कैमरा क्वालिटी यहाँ पे आपको फ्रंट और बैक में काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। तो भाई, इसके बैक और फ्रंट कैमरे से आप 1080p में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पे। बैटरी के बारे में बात करते हैं, तो 5000 mAh की बैटरी है, जिसके साथ आपको 15W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। और इसके प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको डायमेंसिटी 720 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी हैवी प्रोसेसर है, काफ़ी हैवी गेमिंग कर सकते हैं। ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिल जाता है। तो गाइस, इसमें आपको 6GB रैम, 128GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है, और इस वेरिएंट की प्राइस यहाँ पे आपको 18,000 से 19,000 रुपये के अंदर देखने को मिल जाता है। सो गाइस, आपका जो चौथे नंबर का स्मार्टफोन है वो है सैमसंग गैलेक्सी A22, जो कि एक 5G डिवाइस है। तो गाइस, यहाँ पे कुछ 4G डिवाइस के बारे में भी बात करेंगे, जो कि आगे चल के बात करेंगे। तो जो कि रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, काफ़ी नए स्मार्टफोन है, तो डिज़ाइन के मामले में काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। तो ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड V11 पर रन करता है, और यहाँ पे आपको साइड फिंगरप्रिंट मिलता है, फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलता है, और 3.5 mm हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है। तो भाई, अब 3.5 mm हेडफोन जैक बोलने की ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि सभी स्मार्टफोन में से 5G स्मार्टफोन है, वहाँ पे 3.5 mm हेडफोन जैक को हटाया जा रहा है, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो इसके अदर फीचर्स के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलती है 6.6 इंचेस की TFT डिस्प्ले, जो कि एक IP LCD पैनल है। तो ये डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी यहाँ पे बेटर देखने को मिल जाती है। इसके साथ आपको 90Hz का हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, तो डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी बेटर मिल जाती है। तो अब इसके कैमरे के बारे में बात करते हैं, तो बैक में ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलता है, जिसमें मेन कैमरा 48 MP का है, 5 MP का माइक्रो और 2 MP का डेप्थ सेंसर, और इसके फ्रंट में ही 8 MP का फ्रंट सेल्फी शूटर कैमरा मिल जाता है। तो ये ओवरऑल इमेज क्वालिटी प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, जिसके साथ आपको 15W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको डायमेंसिटी 700 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि एक 5G कनेक्टिविटी के साथ आता है। तो भाई, ओवरऑल जो MediaTek के प्रोसेसर हैं, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा बैंड देखने को मिल जाते हैं, तो काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए स्मार्टफोन आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। तो ट्रिपल कार्ड स्लॉट यहाँ पे आपको मिल जाता है, इसमें आपको मिलती है 6GB रैम, 128GB का स्टोरेज, जिसे आप एक्सपेंड कर सकते हैं 1TB तक। तो गाइस, इस वेरिएंट की प्राइस यहाँ पे आपको मिलती है 20,000 रुपये के अंदर। तो भाई, इसके बैक और फ्रंट कैमरे से काफ़ी अच्छी इमेज यहाँ पे आप खींच सकते हैं, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। अब आपका जो थर्ड नंबर का स्मार्टफोन है वो है सैमसंग गैलेक्सी F62। तो गाइस, ओवरऑल फ्लेक्सिबल लेवल का स्मार्टफोन है, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ था, कुछ ही दिन हुए हैं,
तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। यहाँ पे आपको डिज़ाइन वगैरह काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, थोड़े बहुत फिंगरप्रिंट भी ये इसकी बॉडी पकड़ती है, बट कवर वगैरह लगा के रखेंगे तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी रहेगी। तो अब इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड वी 11 पर रन करता है और यहाँ पे आपको मिलता है फेस अनलॉक का सपोर्ट, साइड माउंट फिंगरप्रिंट, 3.5mm हेडफोन जैक और इसके अलावा NFC देखने को मिल जाती है। तो भाई यहाँ पे भी आपको सैमसंग की नॉट सिक्योरिटी देखने को मिल जाती है। तो इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो 6.7 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले प्लस स्क्रीन यहाँ पे आपको मिल जाती है, जिसके साथ आपको नॉर्मल 60 हर्ट्ज का रेफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। तो भाई डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी बेटर देखने को मिल जाती है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिलती है। तो इसमें आपको 7000mAh का बैटरा मिलता है, जिसके साथ आपको 25W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। तो इसके कैमरे के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको बैक में क्वाड कैमरे का सेटअप मिलता है, जिसमें मेन कैमरा 64MP का है, 12MP का अल्ट्रा वाइड, 5MP का माइक्रो और 5MP का डेप्थ सेंसर, और इसके फ्रंट में ही आपको 32MP का फ्रंट सेल्फी शूटर कैमरा मिल जाता है। तो भाई इसके कैमरे में काफी ज्यादा फीचर मिल जाते हैं। इसके बैक कैमरे से आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30fps पे। तो भाई ओवरऑल कैमरे के मामले में काफी बेटर स्मार्टफोन है, सैमसंग का काफी अच्छा स्मार्टफोन है, प्राइस के अकॉर्डिंग बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन है। अगर आप कैमरे के लिए कोई स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो ये स्मार्टफोन काफी बेटर रहेगा। यहाँ पे आपको मिलता है Exynos 9825, जो कि एक फ्लेक्सिबल लेवल का प्रोसेसर है। यहाँ पे आप काफ़ी अच्छी गेमिंग कर सकते हैं। तो भाई ज़्यादा लंबे समय तक आप गेमिंग करते हैं तो हीट वगैरह हो जाता है, तो परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको थोड़ी वीक देखने को मिल जाती है, बट काफ़ी हैवी लेवल की गेमिंग यहाँ पे आपको ये स्मार्टफोन प्रोवाइड रहेगा। तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिल जाता है और इसमें आपको 6GB रैम, 128GB का स्टोरेज मिलता है और इस वेरिएंट की प्राइस यहाँ पे आपको 20,000 से 21,000 रुपये के अंदर देखने को मिल जाता है। अगर आप सेल वगैरह पे लेते हैं किसी फेस्टिवल वगैरह पे तो ये स्मार्टफोन आपको 17,000 रुपये के अंदर भी मिल सकता है। सो गाइस आपका जो सेकंड नंबर का स्मार्टफोन है वो है सैमसंग गैलेक्सी M42, जो कि 5G स्मार्टफोन है। जो पिछला स्मार्टफोन था वो 4G स्मार्टफोन था, बट ये 5G स्मार्टफोन है। तो ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड वी 11 पर रन करता है। यहाँ पे भी आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलता है, फेस अनलॉक का सपोर्ट, 3.5mm हेडफोन जैक और NFC का सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा UFS 2.1 देखने को मिल जाता है। तो भाई यहाँ पे आपको जो सैमसंग की नॉट सिक्योरिटी है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो ओवरऑल काफ़ी हैवी लेवल के फीचर यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं। 6.6 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, 16 मिलियन कलर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको 60 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाती है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी बेटर है। यहाँ पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है। तो इसी में आपको मिलती है 5000mAh की बैटरी, जिसके साथ आपको 15W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 750G का प्रोसेसर, जो कि एक 5G प्रोसेसर है। तो काफ़ी फ्लेक्सिबल लेवल की यहाँ पे आप गेमिंग कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस ये स्मार्टफोन आपको प्रोवाइड कराएगा। इसके अलावा इसके कैमरे के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको बैक में क्वाड कैमरे का सेटअप मिलता है, जिसमें मेन कैमरा 48MP का है, 8MP का अल्ट्रा वाइड, 5MP का माइक्रो और 5MP का डेप्थ सेंसर, और इसके फ्रंट में ही 20MP का फ्रंट सेल्फी शूटर कैमरा मिल जाता है। तो भाई इसके बैक कैमरे से आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और फ्रंट कैमरे से 1080p में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ओवरऑल इमेज क्वालिटी यहाँ पे आपको काफ़ी बेटर मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको 6GB रैम, 128GB का स्टोरेज मिल जाता है और इस वेरिएंट की प्राइस यहाँ पे आपको 22,000 रुपये देखने को मिलती है। तो कैमरा वगैरह यहाँ पे प्रोसेसर वगैरह काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। अगर आप 5G स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन ये आपके लिए रहेगा। आपका जो फर्स्ट नंबर का स्मार्टफोन है वो है सैमसंग गैलेक्सी A52। तो भाई ओवरऑल काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, जो कि एक 4G स्मार्टफोन है और इसका एक और वेरिएंट आने वाला है जो कि 5G स्मार्टफोन होने वाला है, जो कि अपकमिंग स्मार्टफोन है, कुछ ही दिनों में लॉन्च होने वाला है। मैं उसको आपको बता दूंगा कि कब लॉन्च होने वाला है। तो ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड वी 11 पर रन करता है। यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलता है, फेस अनलॉक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, 3.5mm हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है और इसमें आपको IP67 देखने को मिल जाता है, यानी अगर आपका स्मार्टफोन पानी वगैरह में गिर जाता है तो आपको टेंशन लेने की नहीं जरूरत नहीं है। तो इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको 6.5 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसके साथ आपको 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी बेटर यहाँ पे आपको मिलती है। यहाँ पे आपको 4500mAh की बैटरी मिलती है, जिसके साथ आपको 25W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 720G का ऑक्टाकोर प्रोसेसर, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। यहाँ पे आप काफ़ी फ्लेक्सिबल लेवल की गेमिंग कर सकते हैं।
इसके अलावा इसके कैमरे के बारे में बात करते हैं तो बैक में क्वाड कैमरे का सेटअप है जिसमें मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का माइक्रो और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है। इसके फ्रंट में ही 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी शूटर कैमरा मिल जाता है। तो इसके बैक कैमरे से आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पे। तो इमेज क्वालिटी के मामले में काफ़ी बेटर स्मार्टफोन है जो कि सैमसंग गैलेक्सी F62 और A52 काफ़ी कैमरे के मामले में काफ़ी बेटर स्मार्टफोन है। बाकी कैमरे के मामले में सभी स्मार्टफोन बेटर हैं बट ये स्मार्टफोन सभी स्मार्टफोन से बेस्ट सैमसंग के कैमरा स्मार्टफोन है। यहाँ पे आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिल जाता है, इसमें आपको मिलती है 6GB रैम, 128GB का स्टोरेज। इसकी प्राइस यहाँ पे आपको 26,500 रुपये के अंदर देखने को मिल जाता है। तो भाई ओवरऑल काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। तो गाइस ये थे आपके 2021 के बेस्ट सैमसंग स्मार्टफोन जो कि आपको 30,000 रुपये के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो भाई सो ओवरऑल काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन है, अगर आपको कोई स्मार्टफोन पसंद आता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो गाइस सभी स्मार्टफोन में आपको सैमसंग की नॉर्थ सिक्योरिटी देखने को मिल जाती है, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।